YouTube पे रहने का मेरा कोई मकसद नहीं रह गया। YouTube पे जो हम जिसलिए YouTube चैनल ओपन किए थे वो काम अब हो नहीं पा रहा है YouTube से, तो हमको यही मन कर रहा है कि अब जो है YouTube को छोड़ देना चाहिए। बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि हमने 1.5 साल तक काफी ज्यादा मेहनत किया था, हद से ज्यादा मेहनत किया था, बता नहीं सकते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग सही होंगे, लेकिन आज हम एकदम सही नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेरा चैनल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, पर डे डाउन होते जा रहा है, ठीक है, और हद से ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। रीज़न हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो है अपनी तरफ से जितनी कोशिशें पहले करते थे वही सारे कोशिशें अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पर डे जब चैनल परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा है, वो भी नए नए तरीक़ों से हमें यूज़ करने के बाद भी, फिर भी हम देख रहे हैं चैनल मेरा डाउन होते जा रहा है, तो थोड़ा सा निराशा होता है और अंदर से बहुत ही हताशा फील होता है और मन नहीं करता कि फिर चैनल पे कुछ काम करें। ठीक है, अब इसका रीज़न मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? पिछले साल जब हमने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तो नए चैनल का जितना बढ़िया परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले अभी का परफॉर्मेंस, इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी, इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, हमारे पास ग्रुप होने के बावजूद भी, हमारा जो चैनल है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। या तो ऐसा रीज़न है कि इस साल हम जो है काफ़ी बेकार पढ़ाने लगे हैं, ये हो सकता है, या फिर इस साल के बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये फील होता है कि सर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर क्यों करना, खुद ही पहुंच जाएगा लोगों तक। जबकि हम आज आप लोग से यही बात बताने वाले हैं कि हमने 1 साल 1.5 साल ऊपर हो गया, हमको लगता है 1.5 साल के करीब होने जा रहा है जब से हम चैनल बनाए हैं, तो ये हमने आज तक कितना यूज़ किया है, इस चैनल का हमने कितना यूटिलाइज किया है, एक तरह से बोला जाए, मतलब इस चैनल से हमने कितना अर्निंग किया है, क्या अर्निंग है, आज हम आप लोग से यही शेयर करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जब इस अर्निंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लाइक और शेयर क्यों करने के लिए बोलते हैं। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो लाइक एंड शेयर होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो रहा है। लाइक तो पर डे जो है घटते ही जा रहा है, जब पहले जितना बच्चे लाइक करते थे और जितना मोटिवेशन मिलता था लाइव क्लास के दौरान, जो है लाइव मेंबर जो लाइव देखते थे क्लास, उसमें मेंबर जितने ज़्यादा होते थे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, 50-50 मेंबर से ऊपर चले गए थे। अब जो है 20 मेंबर भी आने में हालत ख़राब हो जा रहा है, और स्टार्टिंग जबकि इस साल मैंने किया था तो उस समय ही 20 मेंबर बहुत आराम से हो जा रहे थे, लेकिन पर डे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं लेकिन लाइव क्लासेस की संख्या घट रहा है। अब रीज़न इसका क्या है नहीं पता। लाइक देखिए वीडियो पे नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात हम बार बार गौर फरमा रहे हैं कि ये डिसलाइक करने वाला बंदा कंटिन्यू है। एक डिसलाइक जो आता है वीडियो पे वो कंटिन्यू आता है, लेकिन वीडियो पे लाइक जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो एक बात यही बोलना चाहते हैं, अगर आप डिसलाइक करने वाले से कुछ मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मोटिवेट होइए उससे कि जब वो पर डे आके वीडियो को डिसलाइक कर सकता है तो आप पर डे आके वीडियो को लाइव अटेम्प्ट करके उसको लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते हैं? आपको उसमें कुछ नहीं जाता है, एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगता है। दूसरी बात है कि उस लाइक और शेयर से हमें कुछ खास फायदा नहीं होता है, ठीक है, फायदा होता है लेकिन पैसे का फायदा नहीं होता है। क्या फायदा होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। लाइक, कमेंट एंड शेयर, इन तीनों चीजों से केवल और केवल एक फायदा ये होता है कि वीडियो में इंगेजमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और जब वीडियो में इंगेजमेंट ज्यादा होता है तो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके थ्रू वीडियो थोड़ा सा रैंक करता है, मतलब कुछ लोगों के पास जाता है, इंप्रेशन उसका हाई हो जाता है, इससे क्या होता है वीडियो कुछ लोगों तक पहुंच जाता है, तो शायद उसमें से किसी बंदे को पसंद आए तो वीडियो हमारा खोल के देखे तो हमारे चैनल पे नए नए व्यूअर्स आएंगे, तो हो सकता है चैनल पे सब्सक्रिप्शन आए और हो सकता है हमारा चैनल ग्रो करे। लेकिन इस समय जो बच्चे हैं एकदम ही इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं। अब चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोगों को हम आप शो कर देते हैं कि हमने जो है पूरे साल भर 1.5 साल के दौरान जब से हमारा चैनल बना है तब से हमने इस चैनल पे कितना कमाया है, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो है कितना जो है खर्च करते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, इससे आप लोग को इन सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम सारा चीज़ आपसे शो करने वाला है। स्क्रीन पे जो सबसे पहला पार्ट लगा है वो चैनल का सबसे मेन स्क्रीन है YouTube स्टूडियो का, उसमें लिखा है, आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स काउंट इस समय वीडियो बनते दौरान जो है 4098, ठीक है, 1.5 साल में हमने सोचे 4000 सब्सक्राइबर केवल गेन किया, 4100, कितनी बेकार बात है, कितना बेकार परफॉर्मेंस है। बाकी हमारे सामने सामने ही बहुत से चैनल ऐसे बने हैं जो फेक फेक काम करके करके अपने जो चैनल्स पे जो ऑडियंस है काफी 1.5 सारा बढ़ा लिए, फेक काम कर करके, और कुछ चैनल्स अच्छे पढ़ा कर भी ऑडियंस बढ़ा लिए,
वहाँ के बच्चे शायद सपोर्टिव हैं, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों इतने सपोर्टिव नहीं मिल रहे थे, पिछले बार के बच्चे बहुत अच्छे थे। इस बार जो है हम बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो रहे, उल्टा हमें डिमोटिवेट हो गए, इसलिए चैनल पर काम करने का एकदम इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला तो हमने देख लिया कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर इतना है, वॉच टाइम जो है 28 डेज का यहाँ पर परफॉर्मेंस है लेकिन हम आपको लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। अभी जो है 48 आवर्स का आप रियल टाइम व्यू देख रहे हैं, उसमें है 1281, यानी 48 घंटा में जो है इतना व्यू आया है दो दिन में। ठीक है, इतना कम व्यू आ रहा है, जबकि एक एक वीडियो पे इतना व्यू आ जाता है तब जाके चैनल थोड़ा सा ग्रो करता है। ठीक है, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा पे जब इतना व्यू आता है तब, लेकिन यहाँ पर 48 घंटे में इतना व्यू आया है और चैनल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को शौक होता है क्या, रेवेन्यू चेक करने का, तो योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा 28 दिन में $6.74 है। अब इसको हम लाइफ टाइम की अर्निंग आपको दिखा देंगे, पूरे लाइफ टाइम में हमने कितना अर्न किया है। तो जब लाइफ टाइम की अर्निंग की बात करेंगे तो ये $70 हो रहा है, $70, इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एवरेजली होता है, नहीं तो आप 75 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक जो है हमने ₹7,000 भी अर्न नहीं किया है। बात समझ रहे हैं, कितने साल से, डेढ़ साल से ₹7,000 भी अर्न नहीं किया है। अब ये बात है जितना भी अर्न किया, लेकिन इसके साथ कुछ बच्चे पिछले साल के बहुत ही अच्छे, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था लेकिन बच्चों ने हमें डोनेशन देना स्टार्ट किया था, उस दौरान हमें जो डोनेशन आया था वो कुल डोनेशन था ₹2,160, इतना डोनेशन आया था, पूरा काउंट करके बैठा हुआ है। और इस साल केवल एक बच्चे ने डोनेशन दिया है, वो ₹5 का डोनेशन दिया है। देखिए हम डोनेशन के लिए भी नहीं बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे चैनल पे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम डोनेशन की बात भी चैनल पे नहीं करते, केवल पढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन सबसे ज्यादा मकसद यही है, मेन मकसद कि हम चैनल पे ज्यादा ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा ज्यादा ऑडियंस आए, हम उन्हें टीच करें, हम उन्हें गाइडेंस दें, हम उन्हें ज्यादा ज्यादा पढ़ाएं। बहुत से बच्चे इधर उधर के भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो बदतमीजी करते रहते हैं, सारे चैनल पे आते हैं रहते हैं, लेकिन हम अपने चैनल पे क्या करते हैं, उन लोगों को ब्लॉक कर देते, बहुत जल्दी हो सकता है इसका भी एक रीजन है जिसके वजह से चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा जो नियम कानून है वो उसी तरह से रहेगा, हम इस चीज में बदलने वाले नहीं है, बस आप लोग से सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। अगली बात ये होता है कि इतना होने के बावजूद, मतलब इतनी अर्निंग आया है, मान लीजिए अगर हम पूरा $100 मान लें, जबकि 70 है, $30 अभी कम है, बहुत ही कम है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कुल मिला के अगर बात करें तो आज तक जो है हमारे चैनल पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमको नहीं लगता कि हमने 7,000 या 8,000 से ऊपर कमाया है। ठीक है, अब बात ये होता है कि 7-8 हज़ार कमाए तो सर इतना कमाया तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों के मन में ये आता है, सर झूठ मूठ का इमोशनल कर रहे हैं, लेकिन बात आप समझिएगा, हमने जितना कमाया उससे कई गुना ज़्यादा हमने खर्च किया, कई गुना ज़्यादा। रीज़न क्या है, हम चैनल स्टार्ट किए तो एक कैमरा लिए थे, सेकेंड हैंड ही लिए थे क्योंकि पैसा उतना था नहीं, 30,000 का कैमरा पड़ा था जिससे अभी वीडियो बन रहा है। दूसरा बात है हमने क्या किया था, एक स्टैंड लिया था जो हमारा 1700-1800 का स्टैंड था, ठीक है, कैमरा स्टैंड जिसको ट्राइपॉड कहते हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा बीच में फ़ोन ख़राब हो गया था क्योंकि फ़ोन से हम लाइव लेते थे, कैमरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था और जो OBS सपोर्ट करने वाला लैपटॉप है वो नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो है फ़ोन हम लाइव लेते थे तो फ़ोन भी ख़राब हो गया था। तो फ़ोन ख़राब होने के बाद क्या है, हमने फ़ोन लिया था, काफ़ी बच्चे उस समय बहुत ही अच्छे बच्चे थे, हद से ज़्यादा सपोर्टिव थे, एक बच्चा यहाँ तक ये भी बोला था कि सर हम आपको फ़ोन खरीद के खुद ही भेज देते हैं, बच्चे नहीं दे रहे पैसा क्योंकि उसने बोला था सब कोई मिलके ₹300-300 डोनेट करो तो सर को फ़ोन हो जाएगा, तो कोई नहीं दे रहा था तो बोला था सर हम खुद ही खरीद के दे देते हैं, जिसको हमने कॉल करके साफ साफ मना कर दिया था, नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है अपने तरीके से करना चाहते हैं, आप लोग से इतना बड़ा हम बोझ नहीं लेना चाहते हैं, ये सब साफ साफ बात हमने बोल के मना कर दिया था, क्योंकि हम जो है यहाँ पर कमाने के मकसद से नहीं है, साफ साफ हम बार बार बोलते हैं, हम यहाँ पर अपना अर्निंग इसलिए शो करें ताकि आपको समझ में आए कि आप लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं सर कमा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अर्निंग शो कर रहे हैं और हमें कोई मकसद नहीं हम अपना अर्निंग शो करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने फ़ोन भी लिया तो वो फ़ोन की कीमत कितनी थी, तो वो फ़ोन की कीमत 30,000 की थी, क्योंकि अच्छा फ़ोन चाहिए था ताकि हमारा जो पुरानी वीडियोस थे उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता था, वीडियो पे लाइव क्लास के दौरान काफ़ी ढेर सारा जब ब्लर होता था, मतलब फोकस ऑटो फोकस वाला सिस्टम होता था, बार बार ब्लर हो जाता था वीडियो का, तो इस वजह से हमने एक अच्छा फ़ोन लिया जिसकी वजह से लाइव थोड़ा सा सुधर गया। फिर उसके बाद वाईफाई कनेक्शन लिया जिसकी जो है आपका 3 महीने का जो बिल पेमेंट आता है वो ₹2,900 आता है, ठीक है, ₹2,900 वाईफाई पेमेंट आता है। इसके बाद जो है इतने ढेर सारे लाइटिंग करना होता है, ट्यूबलाइट वगैरह जलाना होता है, काफ़ी ढेर सारी लाइटिंग करना होता है, उसकी कीमत, बिजली का बिल, पंखा वगैरह, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा आ सकती है, मतलब लेकिन फिर भी मान ले तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो हम मान सकते कि 300-400 महीने का उसकी कीमत है, ठीक है। ये सारा शो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमारी अर्निंग क्या और हम खर्च क्या करते हैं।
इसके बाद एक मैम हमने रखा है, आपको पता है इंग्लिश की मैम है, और वो पढ़ाती है तो उनको भी सैलरी देना पड़ता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि इस चैनल पे कितने खर्च हैं और चैनल से अर्निंग क्या है, कुछ भी नहीं, उसके मुकाबले एकदम जीरो है। ये सारा चीज हमें इसलिए हमने बताया क्योंकि हम चैनल जब डाउन हो रहा है ना उससे हम काफी ज्यादा हताश हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि हमको यूट्यूब से कुछ ना मिले, बस इतना मिल जाए कि हम अपना खर्च निकाल सके, मतलब चैनल का खर्च निकाल सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके। मेरा सबसे मेन मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके, और सबसे बड़ा मकसद ये भी था कि जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो इसकी अर्निंग जो होगी ना, हम अपने लोकेलिटी में जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने का एक संस्था टाइप का स्टार्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को हम समय दे सके, हम ना दे सके तो टीचर्स रख लें, उनको सैलरी दें, लेकिन हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। ये सारा मेरा रीजन था, और हमको लगता है कि हम इस रीजन को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो है ये हमारा जो एम है इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। काफ़ी 1.5 साल से जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब यूट्यूब पे रहने का मेरा कोई मकसद नहीं रह गया। यूट्यूब पे जो हम जिसलिए यूट्यूब चैनल ओपन किए थे वो काम अब हो नहीं पा रहा है यूट्यूब से, तो हमको यही मन कर रहा है कि अब जो है यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए। बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि हमने 1.5 साल तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, हद से ज़्यादा मेहनत किया था, बता नहीं सकते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हम जो था टूटा हुआ माइक होता था, मतलब ईयरफोन होता था, उससे हम माइक कनेक्शन करते थे, एक फ़ोन होता था उसमें हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे, एक फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते, मर्ज करके वीडियो डालना स्टार्ट किया। काफ़ी बच्चों का प्यार मिला, जिससे मोटिवेशन मिला, चीज़ों पे हमने खर्च किया और चैनल को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार के बच्चे या फिर इस बार का मेरा चैनल परफॉर्मेंस या हम खुद बेकार हो गए हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हद से ज़्यादा बेकार है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों ऐसा हो गया मेरे चैनल पे। आप लोग देख भी रहे हैं कि ग्रुप में इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सबको अलग अलग प्रॉब्लम है कि क्या रीज़न है, क्लास नहीं होता है, लाइव नहीं आते हैं, होमवर्क्स नहीं होता है, नोट्स जब देते हैं तो उसमें उनको टाइम पे वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो बार बार पे नोट्स मांगते रहते हैं, सॉल्यूशन मांगते रहते हैं, जबकि हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो उनको मिलता नहीं है टाइम से, रीज़न यही सब है। इन सबसे क्या लगता है कि इस बार बच्चे में वो बात नहीं आ रहा है, ये जो चैनल है उसमें वो बात नहीं आ रहा जो होना चाहिए था इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए, वो सारा चीज़ एकदम डाउन हो रहा है, सारा चीज़ एकदम खराब हो रहा है। तो हमें एकदम मन से ही अंदर से फील हो रहा है कि YouTube जो है अब मेरे लिए नहीं रह गया है, तो मन करता है कि छोड़ दें, फिर सोचते हैं कि नहीं ट्राई करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोग ये सुने होंगे, लेकिन आज का कंडीशन यही है मेरा कि जीवन में सारी कोशिशें करके भी निराश हूँ, आज मैं हताश हूँ। सब लोग बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उल्टा है यहाँ पर, हमने सारी कोशिश किया है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग किया, सारा मेहनत किया, लेकिन फिर भी जो चैनल है वो बहुत ही बेकार चल रहा है इस समय, और इतना ज़्यादा मूड खराब रहता है इन सब चीज़ों की वजह से कि क्लास के दौरान आप लोग भी फील किए होंगे जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, कि हम जो छोटे छोटे चीज़ों में मिस्टेक करने लगे हैं, काफ़ी मिस्टेक करने लगे हैं हद से ज़्यादा, क्योंकि दिमाग जो है अब काम नहीं कर रहा है एकदम, तो ये सब तरह की मिस्टेक करने लगे हैं, जोड़ घटाने में मिस्टेक करने लगे हैं, लाइव क्लास के दौरान में भी और ऐप पे पढ़ाते हैं उस पे भी, सारे जगहों पर ये सारा चीज़ बेकार चल रहा है। अगर आपको मन करता है कि हमसे अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ भी आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट आपको हमसे है, कुछ हम आपको कर रहे हैं, तो आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हम बार बार बोलते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं, बस चैनल ग्रो कर जाए मेरा, हम यही चाहते हैं। और उसके लिए आपको यही करना है कि अगर आप सच में चाहते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगर आप 10K सब्सक्राइबर हमने टारगेट रखा है, वो जल्दी से जल्दी अगर पूरा हो जाता है तो हम जो है चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे, वरना हम जो है चैनल बंद कर देंगे, क्योंकि 1.5 साल हमने इसमें दिया है लेकिन हमें वो बेनिफिट नहीं मिला है। पिछले साल मिला था, 50 बच्चे लाइव करते थे स्टार्टिंग के लिए, बहुत था। आज जो है इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी उतने लाइव नहीं करते, ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर लाइव स्टूडेंट्स की संख्या 50 हो जाती है, 50 लाइव स्टूडेंट आके देखते रहते हैं, तो भी चैनल चलता रहेगा। और चैनल पे अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जो अभी 4,100 है, अगर उसको 10,000 तक आप बनाते हैं तब भी चैनल चलता रहेगा, या फिर नहीं तो फिर हम कुछ ही दिनों के बाद ये चैनल हमको लगता है हम बंद कर देंगे, अगर इसी तरह का मतलब हताशा हमें मिलता रहेगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो लाइव क्लास वगैरह ये जब भी हम लेते रहें, और आप लोग हमें उस लाइव क्लास के दौरान और उस वीडियो के दौरान आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर करके वीडियो को अपना जो है सपोर्ट शो करते हैं, तो भी फील होगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ हैं,
हमारे जो है हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एम है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, फ्री में पढ़ाना। सबसे बार बार हम बोलते हैं फ्री में पढ़ाना। लोग बोलते हैं सर आप फ्री में क्यों पढ़ाते हैं, आपको क्या मिलता है? तो हमें खुशी मिलता है, सबसे बड़ा रीजन यही है, हमें खुशी मिलता है और कुछ नहीं। हमारा मतलब मकसद है समाज के लिए कुछ करना, तो बस हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम अपने तरफ से यही कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा सच में एम जो है ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपको हमसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ सभी बच्चे जितने लोग हैं सपोर्ट करें और चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक ले जाएँ, वीडियो पे लाइव बच्चों की संख्या 50 के ऊपर ले जाएं। और ये चैनल जो है हम क्लास 11th और क्लास 10th भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ना होने की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, बार बार यही बात बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से सपोर्टिव बनिए, जिसके वजह से ये सारे काम हो सकें। तो बस आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने वेलकम भी नहीं किया था, रीज़न है क्योंकि वेलकम करने का कोई मकसद नहीं है। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है बोलते हैं, उसका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि स्वागत के लिए कोई नया व्यक्ति आ ही नहीं रहा, पुराने लोग हैं और नॉन सपोर्टिव परफॉर्मेंस, जो हमारा चैनल का परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए बस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं, शो करें, और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द उस चीज़ में सक्सेस पा लें। थैंक यू, बाय।